एक समय की बात है, परीलोक की दुनिया में एक अद्भुत करिश्मा हुआ। नीलम परी के घर दो जुड़वा परियों का जन्म हुआ। नीलम परी एक का नाम गीता रखती है और दूसरे का नाम सुनीता। कुछ साल बाद जब गीता और सुनीता बड़ी हो जाती है तो उनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसे होती है। गीता बहुत सीधी थी लेकिन सुनीता बहुत शैतान थी। वो दिन भर शैतानियां करती थी। बूढ़ी परी अगर अमर होने के लिए नुस्खे तैयार कर रही होती तो वो उसके नुस्खों को खराब कर देती थी। अगर परीलोक में कोई बूढ़ा जादूगर जाते हुए उसे दिख जाता तो वो कहती, देखो देखो गंजा टकलू चबड़ गंजू जा रहा है। ऐसा कहकर सुनीता वहाँ से भाग जाती। फिर परियां शिकायत करने सुनीता के घर जाती लेकिन सुनीता उनसे कहती, माँ मैंने नहीं, गीता ने किया था। मैं तो सीधी सादी परी हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। माँ आपको तो पता है आज दिन भर मैं आपके साथ ही थी और आपके काम में हाथ बटा रही थी। गीता और सुनीता की बातों को सुनकर उसकी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सही बोल रही है और कौन झूठ। परीलोक की रानी का बेटा आर्यन गीता से प्रेम करता था। दोनों अक्सर सुनहरी गार्डन में मिला करते थे। गीता तुम कितनी अच्छी हो और कितनी भोली भी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें कल एक नई जगह घुमाने ले जाऊँगा। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है तो मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊँगी। सुनीता गीता और आर्यन की बातें छुप छुप कर सुन रही थी। उसे गीता से बहुत जलन होती है। अगले दिन गीता और सुनीता की माँ बाहर गई थी और गीता आर्यन के साथ घूमने जाने के लिए घर में तैयार हो रही थी। तभी सुनीता गीता को कमरे में बंद कर देती है और खुद गीता की जगह आर्यन के पास जाती है। आर्यन सुनीता को गीता समझ लेता है। सुनीता आर्यन के साथ नई जगह पर बहुत मस्तियां करती है। फिर वो सोचती है, वैसे भी आज तो माँ घर जल्दी वापस आएगी नहीं, मैं गीता को बंद ही रहने देती हूँ। लेकिन उधर नीलम घर पहुँचती है। वो देखती है घर बाहर से बंद है। नीलम घर को खोलती है और देखती है कि गीता अंदर बेहोश पड़ी हुई है। गीता बेटा उठो, उठो बेटा, तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें किसने बंद कर दिया? माँ मुझे सुनीता घर में बंद करके चली गई। बिना धूप की मेरी शक्तियाँ कम हो रही थी और मैं बेहोश हो गई। अगर आप नहीं आती तो मेरी मृत्यु तय थी आज। चिंता मत करो मेरी बच्ची, सुनीता आएगी तो मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। तभी सुनीता वहाँ पहुँचती है और माँ को देखकर चौंक जाती है। माँ आप तो आज जल्दी नहीं आने वाली थी, तो आप जल्दी कैसे आ गई? रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। देखो सुनीता बेटा, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी बहन को क्या हो गया, इससे तुम्हारी बहन की जान भी जा सकती थी। क्या जान भी जा सकती थी? क्या गीता बेहोश हो गई थी? बेटा तुम बड़ी हो रही हो और इतनी शैतान क्यों हो गई हो? जब तुम छोटी सी थी तब तुम कितनी इनोसेंट थी और अपनी बहन गीता का कितना ख्याल रखती थी, लेकिन अब तुम इतनी कैसे बदल गई? क्या तुम्हें अपनी बहन गीता का अब कोई ख्याल नहीं है? माँ की बात सुनकर सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है। सुनीता गीता और अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी बहन मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। गीता सुनीता को माफ कर देती है
और उस दिन से गीता और सुनीता एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सोनपुर गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू गांव के अमीर जमींदार शेर सिंह के यहाँ नौकर के रूप में काम करता था, साथ ही उनके बगीचे का भी देखरेख करता था। बगीचा में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए थे। पिछले वर्ष इस बगीचे से शेर सिंह को कोई मुनाफा नहीं हुआ था, लेकिन जब रामू ने उस बगीचे की देखरेख की तो बगीचा में सभी पेड़ों पर काफी अच्छे अच्छे फल लगे। ये सब देख रामू बहुत खुश होता है। अगली सुबह रामू जब एक फल को तोड़कर खाता है तो देखता है कि फलों में कोई स्वाद ही नहीं है, बस सभी फल बेस्वाद है। अगले वर्ष भी ऐसा ही होता है तो किसानों ने कहना शुरू कर दिया कि शेर सिंह तो एक कंजूस इंसान है, उसने ना आज तक किसी की मदद की और ना ही गांव की कुलदेवी को कुछ दिया, इसलिए उसके बगीचे के सारे फल बर्बाद हो गए। शेर सिंह ये सुन क्रोधित हो जाता है और रामू को बिना कुछ खाना पैसा दिए ही घर से बाहर निकाल देता है। रामू बहुत भूखा था, उसने वो गांव छोड़ दिया और उसके अगले गांव चला गया। अंधेरा होने से पहले वह दूसरे गांव में पहुंच गया और उस गांव के बाहरी इलाके में एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोली और रामू को देखी जो दरवाजे के पास खड़ा था। कृपया आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। रामू की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने रामू को घर में आने का निमंत्रण दिया और उसे भोजन परोसा। तुम्हारे हाथ पैर और आंखें तो भले चंगे हैं, भी क्यों मांगते हो? कुछ काम कर सकते हो, अपनी आजीविका चला सकते हो। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर रामू ने अपनी सारी कहानी बताई और ये भी कहा, मैंने जितनी मेहनत की है शायद दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकेगा। क्या यह मेरी गलती है अगर बगीचे में अच्छे फल नहीं हुए? यह तुम्हारी गलती नहीं है। यदि तुम बगीचों में काम करना चाहते हो तो मेरे पास एक छोटा सा बगीचा है, तुम उसमें काम कर सकते हो। तुम्हारा हिस्सा बगीचे में हुए कुल फलों का चौथा भाग होगा। मुझे काम देने के लिए आपका धन्यवाद। आप मुझे अपने बगीचे में काम करने दे रही हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके बगीचे में दिन रात मेहनत करूँगा, आपके बगीचे को एक सुंदर बगीचा में बदल दूंगा। अगले दिन रामू बगीचा पहुँचा, उस बंजर बगीचा को अपने मेहनत और लगन से एक सुंदर बगीचा में बदल दिया। उस बगीचा में उसने तरह तरह के फलों के पेड़ लगाए और दिन रात उसकी देखभाल की। जब फल का सीजन आया तो उसने देखा कि उसके सभी पेड़ों में अभी तक एक भी फल नहीं आए। ये देख रामू बहुत दुखी होता है और कहता है, जो व्यक्ति मुझे काम करने के लिए देता है उसे यह नुकसान क्यों भुगतना पड़ता है। फिर उदास होकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी वहां से एक परी गुजर रही होती है। परी रामू को उदास देख उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? फिर रामू परी को अपनी सारी बातें बताता है कि कैसे दिन रात उसने इस बगीचे की देखभाल करी पर बदले में उसे कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। वो अपने पिछले घटने के बारे में भी परी को सारी बातें बताता है। ये सब बातें सुन परी बहुत दुखी होती है और वो अपने जादुई छड़ी से रामू को जादुई पानी देते हुए कहती है, तुम इस पानी को अपने बगीचे के सभी पेड़ों के जड़ों में डाल देना। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। फिर रामू परी के बताए अनुसार जल को सभी पेड़ों के जड़ में डाल देता है और अगली सुबह देखता है
कि उसके सभी पेड़ों पर कई सारे सोने के फल लगे हुए हैं। ये सब देख रामू बहुत खुश होता है और एक फल लेकर दौड़ते हुए उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है। क्या हुआ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो तुम? हमारे बगीचे में सोने के फल लगे हैं। यह देखो सोने का आम। जब बुजुर्ग महिला ने सभी फल पेड़ों से इकट्ठे कर लिए तो उसने देखा कि सभी फल सोने के हैं। तब बुजुर्ग महिला ने वादे के अनुसार रामू को स्वर्ण फलों का चौथा हिस्सा दे दिया। उस सुनहरे फल के मूल्य से रामू ने कई सारे कृषि भूमि खरीदे और उस पर अपना कृषि कार्य करने लगा और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। तो कैसी लगी आपको परी और सोने के बगीचे की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।